परसों ही हमें क्योंकि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है ट्विटर पे बड़ा एक्टिव रहता है, तो हमने रिक्वेस्ट ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से की है, भारत सरकार से की है कि काफ़ी छात्र जो है भारत के वो फंसे हुए हैं यूक्रेन में। और आप लोग सब लोग जानते हैं खासतौर पर बिहार के ज़्यादा छात्र हैं जो मेडिकल वगैरह जो है वो पढ़ने वहाँ जाते हैं। अभी परसों ही एक वैशाली की बच्ची का वीडियो चला था, वो मेरी कॉन्फ्रेंसी बिदुपुर की है, राघोपुर बिदुपुर प्रखंड की, उसकी माँ भी आई थी मेरे से मिलने, और हम लोगों ने बोला कि हम लोग जो है भारत सरकार वगैरह से रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं। काम तो देखिए भारत सरकार और जो दूतावास है वहाँ का एम्बेसी उनको करना है, लेकिन जल्द से जल्द लोग जो आए, क्योंकि वहाँ जो सिचुएशन है भयावह होते जा रहा है, तो इसको जो भारत के लोग जल्द से जल्द छात्र जो फंसे हैं वो अब चाहे किसी भी माध्यम से आए। अब तो हमने सुना है कि भाई भारत सरकार कह रही है कि हम जो है लाएंगे पोलैंड के रास्ते लाएंगे या हंगरी के रास्ते लाएंगे, तो इसमें हम लोग नज़र डाले हुए हैं। लेकिन ये सिचुएशन जब आपको पता है कि वॉर की होने जा रही है, तब से ही थोड़ा एक्टिव होकर के इन सब लोगों को वहाँ से, पहले ही जब इसकी स्थिति बन रही थी तो काम करना चाहिए। एक और सवाल किया है इसको लेकर और कहा है कि अपने कौन खर्चे से उन्हें मंगाया जाएगा जो बिहार के लोग वहाँ फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों से बातचीत वहाँ पर कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं तो करना ही चाहिए था क्या बिहार सरकार? और उनको बिहार सरकार को भारत सरकार से मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर से लगातार बात करनी चाहिए। हेलो बीजेपी लगातार लोग छात्र जो है विचलित है और एक अच्छी खासी बिहार के छात्रों की संख्या वहाँ है। अब खर्चे पे लाते हैं नहीं लाते हैं वो बात नहीं, वो सुरक्षित आ जाए, इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सुरक्षित आ जाए, ना कि केवल घोषणा होनी चाहिए कि हम खर्चे पे लाए। जो लोग बच्चे भी वहाँ जो पढ़ने गए हैं मेडिकल के, तो खर्चे की तो प्रॉब्लम है नहीं, वो तो बस निकलना चाहते हैं वहाँ से, तो निकलने का माध्यम मिलना चाहिए। एक और सुरक्षित बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल है, उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यानी कि जो मुसलमान है, हरिभूषण ठाकुर बचौल बीजेपी के विधायक है, कहाँ से? अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान है उनसे वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, इसे कैसे देखते हैं? कोई मुद्दा नहीं है बीएसपी के विधायक हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, धर्म में या समाज में नफरत नहीं फैलाना चाहिए, एक बात समझनी चाहिए। कभी भी नफरत की राजनीति करने के लिए जनता ने उनको नहीं चुन के भेजा, उनको चुना है काम के लिए, उस क्षेत्र की तरक्की के लिए, जनता के कल्याण के लिए, पढ़ाई दवाई सिंचाई कमाई इन सारी चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए, ये विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। दिक्कत क्या है, कुछ लोग जो अपने आप को बहुत समझते हैं कि नफरत की राजनीति कर दो, जात की राजनीति कर दो या धर्म की राजनीति कर दो, लोगों में आपस में लड़वा दो, उनका काम बन जाएगा, तो ये इस तरह का टिप्पा टिप्पणी करना मेरे ख्याल से शोभा किसी को नहीं देता, ये धर्म भी नहीं।